नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सबके पालनहार भगवान। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी सहज भाव से बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। ये सुनकर सेठ जी गुस्से में बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है तब खाता है। सेठ जी की बात सुनकर पुजारी बड़े ही प्रेम से बोले, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। ये सुनकर सेठ जी गुस्से में और लाल पीले हो गए और चिल्लाते हुए बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी कहते, हाँ वही तो खिलाता है। सेठ जी का गुस्सा ये सुनकर अब सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो और चिल्लाने लगे और बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। ये सुनकर पुजारी जी बोलते हैं, निमित होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना। बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वो जगन्नाथ हैं। सेठ जी पुजारी की ये बात सुनकर कहने लगते हैं, क्या पालन पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बात करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी फिर कहते, सभी को वही खिलाता है। इस पर सेठ जी गुस्से में बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी बोले, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाता है। इस पर सेठ कहने लगते हैं, पुजारी जी अगर तुम्हारा भगवान मुझे 2400 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। इसके बाद पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी जंगल में चले जाते हैं और एक विशाल काय वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठकर ये सोचने लगते हैं कि अब देखता हूँ इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। इसी बीच एक अजनबी आदमी वहां आ जाता है और उसी वृक्ष के नीचे आराम फरमाने लगता है। इसके बाद वो अपना सामान उठाकर चला जाता है, लेकिन भूलवश वो अपना एक थैला वृक्ष के नीचे ही छोड़कर चला जाता है। अब भूल गया या छोड़ गया ये तो ईश्वर की माया ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचते हैं। उनमें से एक अपने सरदार से कहता है, उस्ताद यहाँ कोई थैला पड़ा है क्या? जरा देखो तो, खोल कर देखो। अब खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद को भूख लगी थी। लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। उस्ताद कहता, अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको तो पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर मिलाकर ये टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर इधर देखो जरा, कौन रखकर गया है? उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि ये थैला कौन छोड़कर गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वो चुप बैठे रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कने चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकते। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया और उनके मन में प्रेरणा दी कि वो ऊपर देखें।
डकैतों ने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत, क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, नहीं मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूल कर चला गया। डकैत उसे फिर बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा, जहर मिलाकर और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, अब तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। डकैत, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, अब नीचे उतर और ये खाना तुझे ही खाना होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और ना ही मैं नीचे उतरूंगा। अब डकैत गुस्से में बोले, अरे कैसे नहीं उतरेगा, सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतार लिया। डकैत ने बोला, ले खाना खा। सेठ जी, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने अब उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। अब सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे। उस्ताद ने उसके मुंह पर अब एक तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को फौरन पुजारी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ जी फिर भी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोले, अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ, मुंह खोलो। डकैत ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती उसे खाना खिलाने लगे। वह नहीं खा रहा था तो भी डकैत ने उसे पीट पीट कर खाना खिला दिया। तब सेठ जी ने सोचा कि ये पांच हैं और मैं अकेला हूं, अगर नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने में ही भलाई है। उसने मन ही मन कहा, मान गए रे मेरे बाप, मान गए, मारकर भी तू ही खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। अब सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि नहीं खाए तो वह मार कर भी खिलाता है। इस कहानी का दोस्तों सार यही है, सत्य यही है, परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं, अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए।